नमस्कार, आइए सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुंचने वाली कनिष्ठा उंगली, जब कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाती है, व्यक्ति व्यापार करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, उसमें सही निर्णय क्षमता व्यक्ति के पास होती है। साथ ही साथ अच्छी बुद्धि को दर्शाने वाली, किसी भी तरीके का यहाँ पर ऐसा कोई अशुभ चिन्ह नहीं है कि आप कोई गलत निर्णय लेकर के अपने जीवन में नुकसान उठा पाएंगे। इस प्रकार की वर्तमान की स्थिति को दर्शाने वाली ये आपकी कनिष्ठा उंगली है। भाषा शैली भी अच्छी है, याददाश्त भी अच्छी है, तो यहाँ ये सब गुण इस उंगली के अंदर भरे हुए हैं। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर के इसकी लंबाई मुझे बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर भी लग रही है। यदि इसमें इसकी लंबाई से ज़्यादा है बृहस्पति की उंगली से, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा संकेत है। लेकिन अगर दोनों उंगलियों की लंबाई यदि बराबर है, तो वो इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति का जीवन एक सार रहता है, यानी कि कुल मिलाकर अच्छे कुल में पैदा हुआ, अच्छी स्थिति में रहा और अच्छी स्थिति में उसका जीवन संपन्न हो जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस प्रकार का यहाँ कोई भी किसी भी बदनामी का स्पोर्ट यहाँ नहीं है, इस प्रकार का बदनामी का कोई स्पोर्ट नहीं नज़र आ रहा। साथ ही साथ अभी यहाँ पर वर्तमान के अंदर कोई कम से कम साल डेढ़ साल तक ऐसी भी स्थिति नहीं नज़र आती कि आपको किसी सर्जरी का सामना करना पड़े। तो ये वर्तमान के हिसाब से मैं हाथ की उंगलियों के बारे में बोल रहा हूँ। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली। बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत ही सुंदर तरीके के साथ शनि की ये उंगली यहाँ पर खड़ी हुई, यानी कुल मिलाकर के शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी, मां दशाएं आपके जीवन में जब भी होंगी उससे आपको कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। साथ ही साथ अच्छे सम्मान प्राप्त करने के लिए और वर्तमान की स्थिति में एक छोटा सा कट नीचे जरूर आ रहा है, तो थोड़ा बहुत ऐसा दवाएं तो इस उम्र में आकर चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए जानी जाती है, पत्नी सुख के लिए जानी जाती है, किसी भी प्रकार के कट वहाँ पर मौजूद नहीं है, दोनों का सुख आपको प्राप्त है, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये यहाँ पर आपकी तर्जनी उंगली है। ईश्वर की आस्था के लिए छोटे बड़े लोगों को साथ लेकर के चलने वाली ये उंगली, यानी कुल मिलाकर कहीं घमंड के चिन्ह इसमें नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास सूरजमुखी रेखाओं की। ये सूरजमुखी रेखाएं मैं इनको बोलता हूँ जब ये एकदम तीव्र गति के साथ निकलती हैं। आपके सभी पर्वतों पर आगे भी इसके चिन्ह हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। जब इस प्रकार की तीव्र रेखाएं स्पष्ट रूप से जाएं, एक दूसरे वाली आड़ी रेखाएं ना काटें, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखाएं होती हैं कि व्यक्ति कई कई जरियों के द्वारा, कई कई साधनों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छा खासा धन कमाता है। यानी इतनी अच्छी स्पष्ट रेखाएं जब एक दूसरे को काट कर ना चले, तो ये व्यक्ति को करोड़ों अरबों रुपये तक ले जाती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद एक सूर्य के पर्वत पर रेखाएं। आपको अगर देखेंगे तो जैसे आपके हाथ के अंदर ये सूर्य पर्वत पर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर ये भी वो अति वेग वाली रेखाएं हैं, परंतु ये पक्की रेखाएं, जो ऊपर खड़ी रेखाएं हैं, कच्ची रेखाएं हैं, जो ये यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं, ये पक्की रेखाएं, ये भाग दौड़ मानसिक चिंता टेंशन के लिए। परंतु जो पक्की रेखाएं, मैं दोबारा मिटा देता हूं, पक्की रेखा बता देता हूं आपको, जो पक्की रेखा है वो रेखा है मंगल पर्वत से निकल करके सूर्य को रेखा को बनाने वाली रेखाएं। जब ये हृदय रेखा से मिले, तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर नई नई योजनाओं के द्वारा अपने जीवन में काफ़ी यात्राएं करता है, इतनी यात्राएं करता है कि ऐसे व्यक्ति मैंने देखा कि फ्लाइट में अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति हजार हजार भी यात्रा कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे चिन्ह हैं, बहुत यात्राएं आपने की होंगी अपने जीवन के अंदर इस प्रकार को दर्शाने वाली, और दूर दूर तक यह सम्मान भी प्राप्त करता है। चलिए अब बात करते हैं धन के पर्व की। धन के पर्व पर और यहाँ पर वही रेखाएं स्पष्ट रूप से क्लियर, और एकदम फिर ये किरण रेखाएं यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं, यानी वो रेखाएं आपके पास, ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंत समय तक आपको करोड़ों रुपए में खिलाएंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर भी वही मेधावी रेखाओं के रूप में जो रेखाएं हैं, जो तीव्र रेखाओं के रूप में रेखाएं हैं, जो उज्ज्वल रेखाओं के रूप में रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपके जीवन के अंदर बहुत बृहस्पति पर्व की तरफ, यानी आने वाले समय में अच्छा खासा दान पुण्य करके आप किसी ट्रस्ट या हॉस्पिटल में भी बड़ा दान करने वाले हैं या कर चुके होंगे। तो ये इस प्रकार का हो सकता है, आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में मोटा पैसा दान किया हो, इस प्रकार की रेखा यहाँ पर अभी दर्शित है, तो उस दिन में ये मिट जाने वाली है। तो यहाँ बृहस्पति पर्वत अनुकूल है, यानी कि धन संपन्नता व्यक्ति के पास में बनी रहेगी। आइए बात करते हैं
हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ से जाकर के इसका एक संबंध, यहाँ के बना मंगल बृहस्पति पर्व से, एक बना शनि पर्व से, धन भी कमाते हैं दान भी करते हैं। मंगल पर्वत से निकलकर एक रेखा सूर्य पर्वत, यानी कि दूर दूर की यात्राएं भी करते हैं, थोड़ा सा पत्नी को बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान करते हैं, बस इतना बस समझिए। तो ये अपने आप में अच्छी रेखाओं के फल यहाँ पर दिखलाई दिए। आइए मंगल रेखाओं का संबंध बताता हूँ। मंगल रेखाएँ वो रेखाएँ होती हैं जो पर्वत जिस तक पहुँच जाए उसका फल बताती हैं। सबसे पहले तो ये आपकी इतनी आयु है उसके बाद भी कर्म रेखा यहाँ आज भी मौजूद है, यानी आज भी आप कर्म करने वाले व्यक्ति के रूप में हैं। यहाँ से निकल के रेखा शनि पर्वत को जाए तो धन का संबंध, और यहाँ से निकल के पर रेखा बुध पर्वत तक तो जाए तो यहाँ बुध पर्वत मिल गई है जाकर के रेखा, आपकी मंगल रेखा का संबंध बन गया है आपकी विवाह रेखा के साथ, यानी पत्नी भी अच्छे धन परिवार से आती है और कुल मिलाकर पत्नी के आने के बाद व्यक्ति की जीवन में तरक्की भी ज़्यादा होती है। तो ऐसी रेखाओं का इस तरीके से फल जाना जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और इसका बहुत मोटा सा सूत्र है कि हस्त रेखा में यदि बुद्ध रेखा जाकर के पूरे पर्वत को पार करती हुई पूरे हाथ को पार कर जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विदेशों से सप्लाई करके ही अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा तरक्की प्राप्त करता है, कमाई करता है। तो कुल मिलाकर है इसका संबंध मंगल पर्वतों से, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं सप्लाई की, वो चीज़ों का लेन देन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो आपके जीवन के अंदर ज़्यादा आपको फलीभूत होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपके सीधा सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से ये रेखा निकली है, इसका संबंध भाग्य रेखा से भी हुआ है। यहाँ पर ये निकल करके नीचे इसका केतु पर्वत से भी संबंध हुआ है। केतु पर्वत से चंद्र रेखा का सर पर्वत संबंध हो जाए या भाग्य रेखा से, तो व्यक्ति को जीवन में दूर देशों से विदेशों से जुड़ करके लाभ और बहुत सारी यात्राओं। परंतु कुछ यहाँ पर दूषित रूप से आपकी बुद्धि रेखा कट गई है, तो यानी कुल मिलाकर थोड़ा मानसिक टेंशन भी लगातार बना रहता है। अब बात करते हैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में। बहुत सारी व्यापारिक रेखाएं यहाँ काट काट करके आपके बुध पर्वत को चली हैं, यानी कि कई कई तरह के व्यापारों को संभालना और उनके द्वारा अपने जीवन में अपने आप को बढ़ाना, परंतु मानसिक टेंशन को वर्तमान की स्थिति ज़्यादा दर्शाती है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। देखिए भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, ये भाग्य रेखा फिर यहाँ से कई रूपों में मिट जाती है, छोटे छोटे रूप में एक तरीके से ये बिखर जाती है। यानी कि ये वो हुआ स्थिति के ऐसे व्यक्ति के तीन से चार, चार से पांच भी व्यक्ति के काम हो सकते हैं, चार पांच साधनों से व्यक्ति को धन के आगमन हो सकते हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली भाग्य रेखाएँ हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, बहुत संघर्ष से आपने इसको खड़ा किया है, बहुत भागदौड़ इसमें आपकी बनी रही है, इस प्रकार को यहाँ रेखाओं ने भी बताया है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यानी आयु रेखा जिस शुक्र पर्व को जितना बड़ा बनाती है, शुक्र बड़ा शुक्र होता है मकान, फैक्ट्री, दुकान, बंगला, गाड़ी, भाई बहन, बंधु, पत्नी, यानी ये सब चीज़ें जितना जिसका बड़ा पर्व उतने उसके ज़्यादा ये सुख। तो ये इस प्रकार का शुक्र पर्वत है, वर्तमान में सलवटों से भरा हुआ है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि थोड़ा इस समय आप परेशान हैं। अब बात करते हैं आयु रेखा की। यहाँ आयु रेखा और बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकल करके जब इतने बड़े पर्व को बना करके चलती है तो ये रेखा जाके नीचे तक पहुँच रही है, यहाँ जाके अंदर तक घुस गई है, यानी कुल मिलाकर 75-76 वर्ष की तो पक्की है, इससे आगे भी चलती रहती है आयु रेखा। तो कुल मिलाकर के आयु रेखा भी अच्छी प्रकार से यहाँ पर मौजूद है। ये शुक्र पर्व का एक कॉर्नर का जो हिस्सा होता है, इसको कह देते हैं कि भाई थोड़ा बहुत भाई बहनों से सहयोग ना मिलना। तो चलिए ये अपने आप में सारी स्थितियों को दिखलाया, सारे पर्वतों को बताया, सारी रेखाओं को बताया। आपके सभी सवालों से संबंधित मैंने यहाँ से रीडिंग ले ली है और उनको लेकर के हमारे एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी आपको अब जन्म पत्री के द्वारा आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और उपाय भी बताएंगे। नमस्कार।